हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं दिनेश वर्मा पुनः आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे सर्वांग समता और सर्वांग समता के कौन कौन से नियम होते हैं, चतुर्भुज और उनके प्रकार, क्योंकि किसी थ्योरम को सॉल्व करने के लिए हमें इन बातों की अति आवश्यकता है, इनकी पूर्णता जानकारी होने पर ही। तो उसी क्रम में हम शुरू करते हैं सर्वांग समता। सर्वांग समता क्या है? ऐसी दो ज्यामितीय आकृतियां जो आपमाप और आकार में समान हो, ऐसी दो ज्यामितीय आकृतियां जो आमाप और आकार में समान हों, उन्हें सर्वांग समता कहते हैं। जैसे दो रेखाएं, अगर ये समान हैं, एक रेखा ए बी, दूसरी एक्स वाई, और ये 4 सेंटीमीटर की है और ये भी 4 सेंटीमीटर की है, तो ये सर्वांगसम। अब ये सर्वांगसम रेखाएं हो गई, सर्वांगसम रेखाएं। इसी तरह से हम दो कोण ले लेते हैं, एक कोण एबीसी है, ये 50 डिग्री का है, और एक कोण एक्स वाई है, एक्स वाई जेड है, और ये भी 50 का है, तो ये सर्वांगसम कोण हुए। दो ऐसे दो कोण जिनकी मापें समान हों, उन्हें सर्वांगसम कोण कहते हैं। ऐसे दो कोण जिनकी मापें समान हों, उन्हें सर्वांगसम कोण कहते हैं। इसी तरह से अगर दो त्रिभुज ले लिए गए, दो त्रिभुज हमने बना लिए, एक एबीसी, दूसरा पीक्यूआर। अब इस त्रिभुज में कोण ए कोण पी के बराबर है, ए बी पी क्यू के बराबर है, ए सी पी आर के बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। अब त्रिभुज के सर्वांगसम के 4 नियम होते हैं, त्रिभुज के सर्वांगसम के 4 नियम होते हैं जिनकी हम चर्चा करते हैं। नंबर एक होता है साइड एंगल साइड, भुजा कोण, भुजा कोण भुजा, भुजा साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। ये भुजा इस भुजा के समान है, मान लो ये 3 सेंटीमीटर की है, ये भी 3 सेंटीमीटर की है, और यह वाला कोण इस कोण के समान है, ये 50 अंश का है, ये भी 50 अंश का है, और ये भुजा 5 सेंटीमीटर है, ये भी भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। इनको कहा जाता है भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। परिभाषा में इसको हम कहते हैं ऐसे दो त्रिभुज जिसमें से एक त्रिभुज की दो भुजाएं एवं अंतरिम कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं एवं अंतरिम कोण के बराबर हों, तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ऐसे दो त्रिभुज, एक त्रिभुज की दो भुजाएं एवं अंतरिम कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं एवं अंतरिम कोण के बराबर हों, तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ये सर्वांगसम होने का पहला प्रतिबंध है। सर्वांगसम होने का दूसरा प्रतिबंध, दो त्रिभुज हमने बना लिए, फिर उसी प्रकार से ये होता है एंगल साइड एंगल। इसका कोण ए कोण पी के बराबर है, ए बी पी क्यू के बराबर है, और कोण बी कोण क्यू के बराबर है। अब देखिए, इस त्रिभुज में दो कोण, इस त्रिभुज के दो कोणों के
बराबर हैं और एक भुजा के बराबर है। आपने पढ़ा साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड मतलब कोण भुजा कोण। एक त्रिभुज के दो कोण एवं अंतरिम भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों एवं अंतरिम भुजा के बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। एक त्रिभुज के दो कोण एवं अंतरिम भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों एवं अंतरिम भुजा के बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ये हमारा सर्वांगसम का दूसरा प्रतिबंध है। सर्वांगसमता का तीसरा प्रतिबंध हम देखते हैं। साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, दो त्रिभुज बना लेते हैं। ए बी पी क्यू के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है, ए सी पी आर के बराबर है। एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीन संगत भुजाओं के बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीन संगत भुजाओं के बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, ये परिभाषा होती। देखते हैं, देखिए त्रिभुज ए बी सी में ए बी पी क्यू के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है और ए सी पी आर के बराबर है, इसलिए हमारा त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांगसम है। इस तरह से इसको हम दर्शाते हैं, ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर के, इस तरह से दर्शा देते हैं। ये सर्वांगसम का चिन्ह है। ये हमारा तीसरा नियम था। चौथा नियम होता है हमारा आर एच एस, समकोण कर्ण भुजा। इधर बना लेते हैं चित्र। दो हमने समकोण त्रिभुज बना लिए, नाम रख दिया ए बी सी पी क्यू आर। ये समकोण है, समकोण त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है, इसलिए इनको हमने 90 डिग्री कर लिया। अब देखिए इसमें समकोण कर्ण भुजा, त्रिभुज दोनों समकोण है, दोनों समकोण है। अब इसका कर्ण इसके कर्ण के बराबर है और जो दो भुजाएं बची इन दो भुजाओं में से कोई एक भुजा बराबर हो, ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है। ऐसे दो त्रिभुज, ऐसे दो समकोण त्रिभुज जिसके कर्ण और कोई एक भुजा आपस में बराबर हो तो वो समकोण कर्ण भुजा सर्वांगसमता का नियम होता है। हम लिख देते हैं ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर के, और साइड में यहाँ लिखा जाता है आर एच एस, आर एच एस सर्वांगसमता प्रतिबंध। तो ये आप देख रहे थे सर्वांगसमता के जो चार प्रतिबंध होते हैं जिनके आधार पर हम ये दिखाएंगे। और आपका जहां पर सर्वांगसमता के प्रतिबंध बताए गए, यहां पर आपने पढ़ा था कर्ण कर्ण के बराबर है, बी सी बी सी के बराबर है। इससे एक चीज और सिद्ध होती, यदि ये दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं तो उनकी अन्य संगत भुजाएं और अन्य संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। अब हमको किसी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए इतना किसी चीज में बराबर दिया है और ये पूछ लीजिए, सिद्ध कीजिए ए बी पी क्यू के बराबर है, तो जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम आ जाएगा तो अन्य भुजाएं अर्थात ए बी पी क्यू के बराबर हो जाएगी और जो शेष कोण बचे कोण ए पी के बराबर हो जाएगा और कोण सी कोण आर के बराबर हो जाएगा। तो ये आप देख रहे थे सर्वांगसमता के प्रतिबंध।
इसके बाद हम आपको बताएंगे चतुर्भुज और चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं।